कहते हैं कि कम उम्र में मिली कामयाबी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, और ज़्यादा देर तक टिकने वाली कामयाबी कम उम्र में नहीं मिलती। बॉस कुछ ऐसी कहानी है द प्राइड ऑफ उत्तराखंड एंड फियरलेस बैटिंग स्टार द ऋषभ पंत की, क्योंकि ये बंदा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप से ही अपने धाकड़ अंदाज में बैटिंग के लिए जाना जाता था। इसी वजह से ऋषभ का सिलेक्शन इंडियन टीम में बहुत जल्द हो गया। लोगों को ऋषभ में दूसरा धोनी दिखता था, पर किसी को ऋषभ में खुद का ऋषभ नहीं दिखा। इंडिया में अक्सर ऐसा ही होता है, लोग ब्रांड को देखकर दूसरे ब्रांड में भी वही ब्रांड खोजते हैं जो पहले वाले बंदे में उन्हें दिखता था। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि अपनी ऐसी कीमत बनाने के लिए उस बंदे की कितनी रातों की मेहनत है, उस बंदे के कितने सालों का डेडिकेशन है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था द राइजिंग स्टार ऋषभ पंत के साथ, क्योंकि लोग ऋषभ में फियरलेस ऋषभ नहीं बल्कि मैच्योर माही खोज रहे थे जो उन्हें मिल नहीं रहा था। इसी वजह से ऋषभ को काफी क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ा, यहाँ तक कि वनडे T20 टीम से अपनी जगह खोनी पड़ी। बॉस बहुत दर्द होता है जब आप काबिल हो और लोग आपकी काबिलियत का मजाक उड़ाएं। ऐसे मुश्किल भरे हालातों में बंदे के पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, नंबर फर्स्ट या तो वो कभी भी वापस ही ना आए, नंबर सेकंड या फिर वो ऐसी वापसी करे कि ये दुनिया याद रखे, क्योंकि वापस ना आने वालों को ये दुनिया कभी भी नहीं याद रखती। ये दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो वापसी के बाद दुनिया में राज करते हैं। बॉस टेस्ट टीम में भी जगह खो चुके ऋषभ ने भी कुछ ऐसा ही किया। 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में कई ऐसे मोमेंट आए जहां आम बंदा मैच को ड्रा या बचाने की सोचता तब भी ये बंदा जीतने के लिए खेल रहा था, जब लोगों को हार से डर लग रहा था तब भी ये बंदा जीत के लिए खेल रहा था। बॉस फियरलेस होने के अपने दो फायदे हैं, या तो बंदा दिल जीत कर जाता है या फिर मुकाबला, और जो दोनों जीत कर जाते हैं उन्हीं को दुनिया चैंपियंस कहती है। और कुछ ऐसा ही किया था राइजिंग स्टार ऋषभ पंत ने। बॉस किसी को देखकर खेलना, किसी को देखकर सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को देखकर हूबहू उसके जैसे बनना बहुत बुरी बात है, क्योंकि आप खुद में एक ब्रांड हो और आप खुद के ब्रांड को मार के दूसरों के ब्रांड को चला रहे हो। बॉस बात काबिलियत की नहीं, बात टेम्परामेंट की होती है, क्योंकि काबिलियत तो हर बंदे में होती है, लेकिन काबिलियत को कामयाबी बहुत कम नसीब होती है। इसीलिए अपनी काबिलियत को पहचानो और उसी पर वर्क करो, ना कि किसी को देखकर उसके जैसे बनने की कॉपी करो। ऑल द बेस्ट, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।